हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से अपन यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग को थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं और किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, ताकि स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर GSTR 1 क्या होता है, GST 3 भी, ये जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं इतने टाइम से वो क्या है, ITC क्या है, क्लेम क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन कोर्स का पार्ट यहाँ से चालू होगा कि रिटर्न फाइलिंग, जैसे अब यहाँ पर मान लो आप यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग करने आए हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो डैशबोर्ड के ऊपर से आके, या आप यहाँ पर सिंपली सर्विस के ऊपर आओगे, यहाँ पर रिटर्न वाले कॉलम में आओगे तो पहला आपको मिल जाएगा रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से अपना रिटर्न डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक डायलर बॉक्स, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो, ठीक है। तो ये डायलर बॉक्स में आपको बेसिकली क्या होता है, ये फिल्टर लगे हुए हैं, आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको ईयर पीरियड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वार्टर क्या होता है, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर साल में 12 महीने होते हैं, हर 3 महीने का एक क्वार्टर बना दिया, तो ऐसे करके आपके पास 4 क्वार्टर होगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है ना। तो आपका जो नॉर्मल ईयर होता है वो जनवरी से चालू होकर दिसंबर में खत्म होता है, मगर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर अपना मार्च से चालू होता है, मार्च का थोड़ी अप्रैल से, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे पहले क्वार्टर में जाकर देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अप्रैल टू जुलाई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर 2020-21 से चालू करेंगे, तो मतलब 2020 क्या होगा, वो 21 क्या होगा, 2021 जिसमें हमारा अप्रैल चालू हुआ, और 2022 जिसमें हमारा अप्रैल का जो ईयर है मार्च खत्म हुआ, ठीक है ना। तो हमको जो फोर्थ क्वार्टर मिलेगा वो बेसिकली 2022 का मार्च मिलेगा, और दो हमारा जो अप्रैल स्टार्टिंग आएगा वो हमारा 2021 का अप्रैल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप इसको ऐसा देखो कि आप अपना GST ओपन करो, उसके साथ देखो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने जैसे अभी मान के चलिए, अभी जो मैं आज जो वीडियो ये बन रहा है वो बन रहा है 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल को ये बन रहा है 2022 का। तो मैं अभी यहाँ पे जैसे ओपन कर रहा, मैंने 22-23 वाला कॉलम, तो मेरे को अभी अप्रैल की फाइलिंग आ जाएगा, पर हम क्या, अभी हमको कौन सी फाइलिंग करना है, लास्ट मंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2021 का मई, ठीक है, 2021 मई मतलब पिछला महीना। तो GST फाइलिंग चलती कैसे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर मान लो जनवरी में बैठे हो तो आप जनवरी की फाइलिंग नहीं करोगे, जनवरी के मंथ में आप पिछले महीने की फाइलिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा महीना गुजर चुका, उसके पेमेंट्स क्लियर होगा, उसके बैंक बैलेंस, उसका चेक, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है वो जो चीज क्लियर हो चुकी है आप उसका पेमेंट पहले हमको करो, अब जो अब जनवरी चल रहा है तो जनवरी का पेमेंट आप फरवरी में कर देना, ठीक है, इतना डिले चलेगा, 10 से 15 दिन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपके क्वार्टर के अंदर तीनों महीने आ जाएंगे, वो 3 महीने आपके यहाँ पे पहले दिखा देंगे, ठीक है, वो आप मंथ सेलेक्ट करोगे और आप बिल्कुल ही सर्च कर दोगे। अब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ 5 कॉलम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कि हर इंसान को 5 कॉलम नहीं देखने को मिलेंगे, कोई बोलेगा यार यहाँ पर तो मेरे को सिर्फ 3 कॉलम देखने को मिल रहा है, तो वो 3 कॉलम वाले अगर कोई अकाउंट आपको ऐसा दिखता है तो वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 2 तरीके की स्कीम होती है, एक होती है जैसे कंपोजिटिव हो गई, एक जैसे रेगुलर। तो कंपोजिटिव वाले बंदे जो होते हैं वो बेसिकली 3 महीने में ही फाइलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि 3 महीने का जितना भी उनने सेल एंड परचेस करा है वो उनका एक क्वार्टर में फाइलिंग करते हैं। तो उनका जो आपको 2 कॉलम दिखेंगे उनके, यहाँ पे तीसरा कॉलम भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या रेगुलर स्कीम के अंदर कोई क्वार्टर स्कीम के अंदर चला जाता है, जैसे क्वार्टरली स्कीम आपको देखने को मिलेगी इनपुट एंड आउटपुट वाली वीडियो के अंदर, कि क्वार्टर स्कीम कैसे हम इनपुट करें या आउटपुट करें, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी आपको सिर्फ 3 रिपोर्टें देखने को मिलेंगी। तो 3 रिपोर्टें कौन सी होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये स्टार्टिंग की आपको जो 3 रिपोर्टें दिख रही है, GST R1, 2A और 2B, ये आपको 3 रिपोर्टें देखने को मिलेंगी। तो GST R1 को हम ये अभी समझ लेते हैं, अभी बेसिकली GST R1 ही, कि GST R1 कैसे हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2B में हमको क्या मिलेगा, 3B में हमको क्या फाइलिंग करना है, और किस में फाइलिंग करना है, किस में नहीं करना। तो सबसे पहले हमारे पास, हम लाइन से चलते हैं, ठीक है ना। तो लाइन से सबसे पहले हमारे पास आएगा GST R1। आप ये समझो कि मेरे इस लाइन में भी और आपका GST फाइलिंग में भी आपको सबसे पहले जो अपना रिपोर्ट फाइलिंग करना है वो GST R1 की फाइलिंग करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हो सकता है कि हम सिर्फ GST R1 तक ही रह पाएं, आपका उसके आगे हम बाद में बात करेंगे। तो GST R1 के अंदर आपको सिंपल यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप अभी तो ये GST फाइलिंग हो चुकी है, अब जिस महीने में नहीं भी होगी उसमें भी आपको इस तरीके का ही रिकॉर्ड सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एड रिकॉर्ड मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको अमिटमेंट रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अब एड रिकॉर्ड अमेंडमेंट रिकॉर्ड में क्या है, मैं आपको फर्क बता देता हूँ। अमेंडमेंट का वर्ड जो है, मैं आपको पहले भी सुनाने में कर चुका हूँ, ये है चेंजेस। आपको किसी भी बिल में, किसी भी चीज में आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो बेसिकली आपको यहाँ पर अमिट करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। अमिटमेंट में आपको उसकी चेंजेस देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम देखने को मिल जाएंगे। अब सिंपल से यहाँ पर आप नंबर्स को याद नहीं रख पाओगे, 4A रिपोर्ट, BA रिपोर्ट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिंपल आपके लिए आगे उसकी समरी दे दी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर B2B invoices, मतलब कि किसी बिजनेस ने बिजनेस को बेचा, तो GST में बिलिंग हुई,
तो यहाँ पर आपका दे दिया B2C लार्ज, मतलब क्या हो गया, आपने किसी एक कस्टमर को 2.5 लाख से ऊपर का माल बेचा, मान लो कि कार बिकी, तो वो कस्टमर लार्ज कस्टमर है, जिसने 2.5 लाख से ऊपर का माल खरीदा है, तो बेसिकली उसकी फाइलिंग यहाँ पर होगी। अगर आप ऐसा कोई 2.5-3 लाख रुपए का आइटम पर प्रोडक्ट बेचते हो तो, या उसकी एक बिलिंग, मान लो उसको आपने जैसे एक 10,000 रुपए का एक आइटम था और उसने 100 खरीद लिया आपसे, तो करोड़ों की बिलिंग हो गई। तो बेसिकली वो एक बिल के अंदर अगर कोई बड़ा अमाउंट आता है तो वो एक बिल का इनवॉइसेस भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट माल होता है, कहीं कहीं से बाहर से एक्सपोर्ट होकर आपने खरीदा, तो उसकी यहाँ पर डाटा एंट्री होगी। ये सारी एंट्रीज हम बताएंगे एक एक फाइलिंग, एक एक पूरे लेक्चर में बताएंगे, मगर अभी यहाँ पर समझने की बात है। जैसे ई कॉमर्स वाले लोगों का, ये आपने B2C सेल करी तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपका चला जाएगा, ठीक है ना। अब नील एग्जम्प्टेड क्या होते हैं, अगर कहीं से आपने ऐसे लोगों से माल खरीदा जिनके पास GST नहीं है तो वो यहाँ आ जाएगा। इनपुट क्रेडिट, अगर आपको कोई क्रेडिट नोट मिलेगा, डेबिट नोट मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो यहाँ पर आएगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। बेसिकली आप थोड़ा सा समझ लो क्रेडिट डेबिट नोट क्या होता है। जैसे कि हमने माल बेचा और उसमें से कुछ माल वापस आ गया तो वो हो गया, और क्रेडिट पे वापस आया तो क्रेडिट नोट हो गया। डेबिट मतलब कि माल पैसे दिए थे, वापस माल पैसों के साथ आया तो डेबिट नोट हो गया। रजिस्टर्ड पर्सन के साथ है तो यहाँ रहेगा, अनरजिस्टर्ड के साथ है तो 9B के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से टैक्स, एडवांस टैक्स में आपको पेमेंट करना है। HSN समरी होती है पूरे, आपने जितना माल बेचा उसका HSN के थ्रू अगर समरी इशू करवाते हैं तो वो यहाँ जाएगा। ऐसे ये सब उनके लिए अमिटमेंट आ गई, जो चीज़ आपने यहाँ देखी उन्हीं की अमिटमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी GST R1 के अंदर। सेकेंड कॉलम में हमको देखने को मिलेगा GST R2B, ठीक है ना। तो देखो जैसे अभी यहाँ पर यहाँ पर आपको 3 रिपोर्टें देखने को क्यों मिल रही है, बीच में रोक के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मंथ अभी चालू ही नहीं हुआ, इसका GST अभी चले भरेगा ही नहीं। और अभी क्या चल रहा है, बेसिकली अप्रैल ही चल रहा है, और मैंने अप्रैल की गलती से रिपोर्ट बोल दी थी। GST R2A, ठीक है ना। अब GST R2A क्या होता है, GST R2A यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है ऑटो डेफोलेटेड फॉर IGST, ठीक है ना, वो ITC। तो जितना भी इस महीने में आपको आपने परचेस करी है, ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो आप यहाँ पे B2B के अंदर आप यहाँ पर देखोगे जितना भी आपने जहाँ जहाँ से जितने लोगों से आपने माल खरीदा है वो सारा आपको इस कॉलम में अंदर देखने को मिल जाएगा। बकायदा उनका GST नंबर पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि उनका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्स अमाउंट कितना है, आपको उसमें से टैक्स कितना कितना मिलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और आगे हम इसको भी अकाउंटिंग को समझेंगे। फिर अगर उनने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आपके थ्रू आपके लिए चढ़ाएं या आपकी अमेंडमेंट करी है, आपकी कोई GST गलत हो गई थी वो सही करी उनने तो यहाँ पर आएगा। अगर क्रेडिट नोट सही करें तो वो यह चीज़ यहाँ पर आएगी। ऐसी TDS क्लेमिंग अगर आपकी यहाँ पर होती है तो वो आपको मिलेगा, वो भी हम इसको समझेंगे। इस पूरे शीट को थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जितना इनपुट क्रेडिट होगा वो दिखाएगा तो आपको कहाँ पर 2A के अंदर, पर आपको लेना कौन सा है, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल के तौर पर GST फाइलिंग करोगे ना तो आप यहाँ पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल भी रहोगे, तो वो लेने के लिए जब आप एलिजिबल रहोगे वो रहोगे आप 2B के अंदर। सेम 2B के अंदर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, एक वैसे ही कॉलम खुलेगा पर यहाँ पर आपको बताया जाएगा इतना इतना आप लेने के लिए एलिजिबल हो। अब एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो GST का कहना क्या है कि 13 तारीख से पहले, आज की कंडीशन ये होती है कि 13 तारीख मतलब मंथ की जो 13 तारीख है, जैसे आज 14 तारीख चल रही है और 13 तारीख से चल रही है, आज से पहले जितने भी लोगों ने GST R1 फाइलिंग करा होगा उन सबका टैक्स हमको मिल जाएगा। पर 13 तारीख के बाद जिन लोगों ने करा होगा उनका हम लोगों को जो इनपुट क्रेडिट होगा वो अगले महीने मिलेगा, ठीक है ना। तो वो एलिजिबल नॉन एलिजिबल आ जाता है इस तरीके से, वो की टर्म्स एंड कंडीशन कई बार चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्वार्टर, जो चीज़ हमने यहाँ पर टू बी में देखा ना, ये भी सेम 2B है पर ये सिंगल मंथ के लिए है, ये पूरा क्वार्टर के लिए है। जिस क्वार्टर में आप अभी एक्सेस कर रहे हो जनवरी फरवरी मार्च, तीनों महीनों का एलिजिबल ITC एक बार में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको 2 GST R 3B। अब देखो आप यहाँ पर पहले क्या होता था, GST R1 और 3B दोनों ही ऑटो पॉपुलेटरी नहीं होती थी, लोगों को भरना पड़ता था सारा डाटा मैनुअली, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती थी। तो गवर्नमेंट ने अब सारी चीज़ों को ऑटो पॉपुलेटरी कर दिया, इतना ईजी कर दिया, GST R1 फाइलिंग करोगे और 3B में सारा डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। मगर हम आपको बता देते हैं बेसिकली यहाँ पर आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो देखिए आपने जितना भी सेल करा होगा IGST के अंदर तो आपको पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस कॉलम में 3.1 के अंदर। 3.1 के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपने कितने रुपए का माल बेचा है पूरा, जिसका टैक्सेबल वैल्यू, उस पर IGST CGST और SGST कितना कितना लगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम उसी के बाद वैल्यू दिखा देता है किस किस स्टेट में आपने बेचा। अगर आप मान लो B2C में माल बेचोगे तो वो सारा का सारा कॉलम इसी के अंदर आएगा, अगर अलग अलग स्टेट में बेचा आपने वो पूरा इधर आ जाएगा। उसके बाद एलिजिबल ITC, आपको कितनी ITC मिली,
ठीक है ना, जो आपने देखा था 2B में, अगर आपने कितने परचेस करे उसके हिसाब से आपकी ITC जो बनेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नॉन इनवाइट सप्लाई, अगर किसी ऐसे लोगों से माल लिया है तो वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा जिनके पास GST नहीं है। अगर आपको कोई लेट फीस लगेगी तो बेसिकली वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप इसको ओपन करोगे तो आपको बता दिया जाएगा लेट फीस कितने टाइम से है, इस पर इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एक नोटिस में देखिए सिंपल यहाँ पे दिया भी है कि आपने अगर फाइलिंग नहीं करी तो पर डे जो है 10 रुपये लगेगा, और अगर इनकेस उसमें कोई अलग इशू आता है या लेट फीस लगती है तो उस पर कुछ परसेंटेज के आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में यहाँ पर जो 6.1 है, ये जब जनरेट होता है आपको जब आपका GST फाइलिंग हो चुका है। जैसे मैंने पुरानी रिपोर्ट ओपन करके दिखाई है तो इनने बताया कि इतना मेरा टैक्स बना था, उसमें से माइनस होने के बाद मैंने कितना रुपए अपने हाथ से जमा करा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये चीज दिखा देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये GST मतलब रिटर्न्स का सिर्फ ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, फाइलिंग कैसे भरेंगे और वो चीज़ हम थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, आगे वीडियो में। थैंक यू सो मच।